नरक चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे दीपावली के त्यौहार के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। नरक चतुर्दशी का पौराणिक महत्व। नरक चतुर्दशी का संबंध एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके धरती पर आतंक मचाया हुआ था। उसने अनेक देवताओं और ऋषियों को बंदी बना रखा था। उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर की कहानी। नरकासुर की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो नरक चतुर्दशी पर्व से जुड़ी हुई है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर राजा नरकासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस कहानी का जिक्र अनेक पुराणों में मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते। नरकासुर का जन्म भूदेवी पृथ्वी और भगवान वारह विष्णु के अवतार के संयोग से हुआ था। नरकासुर को वरदान मिला था कि वह केवल अपनी माता के हाथों मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार। नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया। उसने इंद्रलोक स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को छीन लिया। नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों का अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाकर रखा। उसकी अत्याचारी प्रवृत्तियों से देवता और मनुष्य सभी परेशान हो गए। देवताओं की सहायता की पुकार। नरकासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका अवतार श्री कृष्ण नरकासुर का वध करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर आकर नरकासुर को उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। नरकासुर का वध। नरकासुर को यह वरदान मिला था कि वह केवल अपनी माता के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को युद्ध में अपने साथ लिया। सत्यभामा स्वयं भू देवी का अवतार मानी जाती है और इसीलिए वही नरकासुर का अंत कर सकती थी। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया, तब सत्यभामा ने अपने बाण से नरकासुर को मार गिराया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 बंदी स्त्रियों को मुक्त किया और उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। नरकासुर का पछतावा और अंतिम इच्छा। नरकासुर ने मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण से अपनी एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि उसकी मृत्यु का दिन उत्सव के रूप में मनाया जाए और लोगों के जीवन में दीप जलाए जाए, ताकि उनके घरों में सुख समृद्धि आए। श्री कृष्ण ने उसकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और तभी से नरकासुर के वध के दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। नरक चतुर्दशी और दीपावली का संबंध। नरक चतुर्दशी दीपावली के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे छोटी दीपावली के रूप से भी जाना जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने और दीप जलाने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरकासुर की कहानी का संदेश। नरकासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली या बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो अंततः उसे विनाश का सामना करना पड़ता है। धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है, जबकि अहंकार और अत्याचार का अंत सुनिश्चित है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि है जीवन में नैतिकता, सत्य और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने का संदेश भी देती है। नरक चतुर्दशी का धार्मिक महत्व। नरक चतुर्दशी का पर्व न केवल पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि इसका धार्मिक पहलू भी काफ़ी गहरा है। इस दिन को यम तर्पण या यम पूजा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व है, जो मृत्यु के देवता हैं। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने और तिल के तेल से मालिश करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद नरक की जाने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए इस दिन को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का पर्व भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर उपटन और स्नान करने का विधान है। इस दिन दीप जलाने, यमराज की पूजा करने और दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। नरक चतुर्दशी के दिन किस प्रकार के पूजा। प्रातःकाल स्नान। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अति शुभ माना जाता है। तिल का तेल लगाकर स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। दीपदान। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के बाहर दीप जलाने की परंपरा इसे यम दीपदान कहते माना जाता है कि इससे यमराज की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तर्पण और श्राद्ध कर्म। कुछ क्षेत्रों में इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताओं के अलावा
नरक चतुर्दशी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। इस समय मौसम बदलता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। इस दिन शरीर की मालिश करने और स्नान का महत्व इसलिए भी होता है ताकि शरीर के शारीरिक विषाक्तता बाहर निकाली जा सके। तिल का तेल त्वचा के लिए फायदेमंद होता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। नरक चतुर्दशी के पीछे की मान्यता। हिंदू धर्म में मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे नरक के भय से छुटकारा मिलता है। इस दिन किए गए दान, पूजा और अच्छे कर्मों से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी का महत्व सांख्यिकी दृष्टिकोण से। पूजा विधि का पालन। भारत के लगभग 70% हिंदू परिवार नरक चतुर्दशी के दिन पारंपरिक पूजा विधियों का पालन करते हैं। दीप जलाने की परंपरा। करीब 80% भारतीय इस दिन दीप जलाकर यमराज की पूजा करते हैं, जो उनकी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। सामाजिक आयोजन। लगभग 60% लोग इस दिन सामूहिक पूजा और त्यौहार मनाते हैं, जिससे समाज में मेलजोल और एकता बढ़ती है।